आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स AOC ट्रेड्समैन मेट रिक्रूटमेंट 2023। तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला गया, नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो उस नोटिफिकेशन में हमें ये जानने को मिलेगा कि उसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगा गया है, कितने वैकेंसीज हैं। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फिलिंग अप द डिफेंस सिविलियन पोस्ट एट वेरियस यूनिट्स डिपॉजिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल CO आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप सेंटर सिकंदराबाद इन। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको यहाँ पे बताया गया है। जो भी एलिजिबल है वो ग्रुप सी के लिए यहाँ पे, ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ बताया गया है, ट्रेड्समैन मेट के लिए और फायरमैन के लिए यहाँ पे पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट बांटा गया है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST पोस्ट यहाँ टोटल पोस्ट है। रिजर्व्ड फॉर ESM, MSP, PWBD के लिए है। ट्रेड्समैन जनरल के लिए 508 है, EWS के लिए 124, OBC के लिए 337, SC के लिए 187, ST के लिए 93। टोटल पोस्ट यहाँ ट्रेड्समैन का है 1249 और फायरमैन का टोटल पोस्ट यहाँ पे 544 है। और आपको पे लेवल यहाँ 7th पे लेवल कमीशन मिलेगा। ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक मिलेगा और फायरमैन लोग के लिए लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा 19,900 रुपये से लेके 63,200 रुपये तक। रीजन वाइज यहाँ पे आपको पोस्ट बताया गया है। रीजन यहाँ पे ईस्टर्न रीजन है, स्टेट आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के लिए फायरमैन में 69 वैकेंसीज है और ट्रेड्स मेट में 139 वैकेंसीज है। वेस्टर्न के लिए यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है। फायरमैन के लिए 71 वैकेंसीज है और ट्रेड्स मेट के लिए यहाँ पे 430 है। नदन के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए यहाँ फायरमैन के लिए वन, ट्रेड्स मेट के लिए 181 है। साउदर्न रीजन के लिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, फायरमैन के लिए 111 है और ट्रेड्समैन मेट के लिए 206 है। साउथ वेस्टर्न के लिए राजस्थान, गुजरात, फायरमैन के लिए 89, ट्रेड्स मेट के लिए 164 है। सेंट्रल वेस्ट के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, फायरमैन के लिए 39 और ट्रेड्समैन मेट के लिए 66 है। सेंट्रल ईस्ट के लिए वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम के लिए फायरमैन का पोस्ट है 46 और ट्रेड्समैन मेट 63 का वैकेंसी है। यहाँ पे द वैकेंसी शोज द एडवर्टीजमेंट आर प्रोविजनल एंड मे वेरी। ये जो प्रोविजनल एडवर्टीजमेंट है ये आपका वेरी हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, यहाँ वैकेंसी कैंसिल हो सकता है, पोस्टपोन्ड हो सकता है, टर्मिनेटेड भी हो सकता है। द एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन वेब एप्लीकेशन, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। पर अभी तक ये नोटिफिकेशन जो है ये अभी तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। पहले यहाँ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आएगा, उसके बाद ही ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा। इसका जो लास्ट डेट यहाँ बता रहा है 21 दिन होगा, जिस समय ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जैसे ही ये नोटिस आएगा तो उस दिन से काउंट होना शुरू हो जाएगा 21 दिन तक। 21 दिन के अंदर ही आपको अप्लाई कर लेना है। और आपको ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफलाइन नहीं चलेगा, ऑफलाइन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन भरना होगा आपको। और आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन विच आर अवेलेबल ऑन द वेब एप्लीकेशन। आपको भरने से पहले ये सब पढ़ लेना होगा।